सामान्य जनता ने जिन आशा अपेक्षा आकांक्षाओं के साथ हमें सेवा करने का मौका दिया है उसको पूर्ण करने में हम पूरे सामर्थ्य के साथ आपकी सेवा में मग्न है। 10 हफ्ते के भीतर भीतर ही अनुच्छेद 370 का हटना, 35A का हटना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम। ये जो नई व्यवस्था बनी है वो सीधे सीधे नागरिकों के हितों के लिए काम करने के लिए सुविधा पैदा करेगी। अब देश का जम्मू कश्मीर का सामान्य नागरिक भी दिल्ली सरकार को पूछ सकता है, उसको बीच में कोई रुकावटें नहीं आएगी। जो लोग 370 के पक्ष में वकालत करते हैं उनको देश पूछ रहा है, अगर ये अनुच्छेद 370, ये आर्टिकल 370 इतना महत्वपूर्ण था, इतना अनिवार्य था, उसी से भाग्य बदलने वाला था, तो 70 साल तक इतना भारी बहुमत होने के बावजूद भी आप लोगों ने उसको परमानेंट क्यों नहीं किया, टेम्पररी क्यों बनाए रखा? आज लाल किले से जब मैं देश को संबोधित कर रहा हूं तब मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। अब समस्याओं को टालने का भी वक्त नहीं है, अब समस्याओं को पालने का भी वक्त नहीं है। 10 सप्ताह के भीतर भीतर हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को उनका अधिकार दिलाने के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाना, आतंक से जुड़े कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन करके उसको एक नई ताकत देने का, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के संकल्प को और मजबूत करने का काम, हमारे किसान भाइयों बहनों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 90,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में ट्रांसफर करने का एक महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ा है। हमने वन नेशन वन टैक्स उस सपने को साकार किया। उसी प्रकार से पिछले दिनों ऊर्जा के क्षेत्र में वन नेशन वन ग्रिड इस काम को भी हमने सफलतापूर्वक पार किया। उसी प्रकार से वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड इस व्यवस्था को भी हमने विकसित किया और आज देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है एक देश एक साथ चुनाव। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है। हमारे हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले, और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये जल जीवन मिशन, इसके लिए करीब केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम
इस जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया। मेरे प्यारे देशवासियों, न हमें थकना है, न हमें थमना है, न हमें रुकना है, न हमें आगे बढ़ने से हिचकिचाना है। एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं, और वो विषय है हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन ये बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। वे अपने घर में शिशु को जन्म देने से पहले भली भांति सोचता है कि मैं कहीं उसके साथ अन्याय तो नहीं कर दूंगा, उसको जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसके जो सपने हैं उन सपनों पूरा करने के लिए मैं अपनी भूमिका अदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सरकार का दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ जहां मुसीबत की पल हो तो सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए। न सरकार का दबाव हो, न सरकार का अभाव हो, लेकिन हम सपनों को लेकर के आगे बढ़े। सरकार हमारे एक साथी के रूप में हर पल मौजूद हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये तो एक पड़ाव है, मेरी मंजिल तो है ईज ऑफ लिविंग, सामान्य मानवी के जीवन में उसको सरकारी काम के लिए कोई मशक्कत ना करनी पड़े। पहले एक जमाना था कि अगर कागज पे सिर्फ निर्णय हो जाए कि एक रेलवे स्टेशन फलाना इलाके में बनने वाला है तो महीनों तक, सालों तक एक सकारात्मक गूंज बनी रहती थी कि चलो हमारे यहां नजदीक में अब नया रेलवे स्टेशन आ रहा है। आज वक्त बदल चुका है, आज सामान्य नागरिक रेलवे स्टेशन मिलने से संतुष्ट नहीं है, वो तुरंत पूछता है वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे इलाके में कब आएगी। हम सिर्फ दुनिया हिंदुस्तान को बाजार बना करके देखें, हम भी दुनिया के बाजार में पहुंचने के लिए भरसक प्रयास करें। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में दुनिया के एक एक देश की जो ताकत होती है, छोटे छोटे देशों की, वो ताकत हमारे एक एक डिस्ट्रिक्ट में होती है। हमने इस सामर्थ्य को समझना है, इस सामर्थ्य को हमने चैनलाइज करना है और हमारे हर जिले एक्सपोर्ट हब बनने की दिशा में क्यों न सोचे। एक छोटी सी अपेक्षा आज आपसे सामने रखना चाहता हूं। इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े, स्कूल कॉलेज हम सब पूज्य बापू को याद करते हुए, और घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो गंदी ना, सब इकट्ठा करें, नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें, और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या? हमारे गांव में छोटी छोटी दुकानों में भी, हमारे शहर के छोटे छोटे मॉल में भी हम क्यों ना डिजिटल पेमेंट की ओर बल दें। आइए ईमानदारी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए और देश की इकोनॉमी को ताकत देने के लिए हम ये डिजिटल पेमेंट, और मैं तो व्यापारियों को कहूंगा, आप बोर्ड लगाते हैं, ज्यादातर गांव में जाऊंगे व्यापारियों के बोर्ड होते हैं, आज नकद कल उधार ऐसा बोर्ड लगा रहता है, आज नकद कल उधार। मैं चाहता हूं कि अब तो हमने बोर्ड लगा चाहना, ये डिजिटल पेमेंट को हां, नकद को ना।